वेलकम यूट बाय मिकेतन यू आर वॉचिंग विद स्टडी तो ये पार्ट सेकेंड है क्योंकि वो वीडियो काफ़ी लेंदी हो गई थी तो इसलिए मैंने कहा था कि पार्ट सेकेंड के अंदर हम बाकी बची हुई टर्मिनोलॉजी डिस्कस करेंगे तो यहाँ पर ट्वेंटी सेवन नंबर पर आपकी आती है ट्वेंटी सिक्स हम डिस्कस कर चुके हैं ट्वेंटी सेवन नंबर पर आपकी आती है हिफर काफ ठीक है तो हिफर काफ का मतलब क्या होता है कि बेसिकली एक फीमेल काफ अंडर वन ईयर ऑफ एज को हम क्या बोलते हैं हीफर काफ सिमिलरली आपको याद होगा हमने एक बुल काफ भी पढ़ा था ठीक है तो बुल काफ क्या था कि एक मेल काफ जिसकी एज वन ईयर से कम हो ऐसे ही आ, हीफर काफ क्या है आ, एक काफ फीमेल काफ जिसकी एज वन ईयर से कम हो लेस देन वन ईयर इसके बाद आती है हीफर क्या होती है तो हीफर ये ये बहुत इंपॉर्टेंट है ही, हीफर का हीफर ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं ठीक है ठेके? तो हीफर का मतलब क्या होता है वो फीमेल इंडिविजुअल जिसने अभी तक काविंग नहीं करी है मतलब कि आपने देखा होगा कि कुछ हमारी मतलब आ, काफ़ी उनकी ज़्यादा एज हो जाती है हम उन्हें काफ़ भी नहीं बोल सकते वो बच्ची नहीं होती बट उन्होंने अभी तक एक भी बार काविंग नहीं करी होती मतलब कि बेबी ने बेबी को बर्थ नहीं दी होती अभी तक ठीक है तो तब हम उसे क्या बोलते हैं हीफर बोलते हैं अगर उनकी एक बार काविंग हो जाती है फिर हम उन्हें काव बोलने लगते हैं ठीक है तो जो फीमेल्स जिन्होंने अभी तक एक भी बार काविंग नहीं करी है और वो अ, मतलब काफ भी नहीं है मतलब एक साल से ज़्यादा की उनकी उम्र हो गई है तो उन्हें हम हीफर्स बोलते हैं राइट इसके बाद हमारा आता है ट्वेंटी नाइन हर्ड तो हर्ड क्या है ग्रुप ऑफ कैटल बफेलो को हम क्या बोलते हैं हर्ड बोलते हैं हर्ड एवरेज देखिए ये एवरेज जो है ना एवरेज बहुत कंफ्यूजिंग है इसलिए आपको हर एक चीज़ को बड़े ध्यान से सुनना है और बड़े ध्यान से याद रखना है हर्ड एवरेज का मतलब क्या होता है ये आपका एवरेज डेरी डेली मिल्क इल्ड है मतलब कि हर दिन आपका कितना मिल्क प्रोड्यूस कर रहा है एक पूरा हर्ड और इसका फॉर्मूला क्या होता है हर्ड एवरेज इज ईगोल्स टू टोटल मिल्क एल्ड टोटल मिल्क एल्ड अपॉन नंबर ऑफ़ मिल्किंग एनिमल्स नंबर ऑफ़ मिल्किंग एनिमल्स तो हर्ड एवरेज इज ईग्ल्स टू टोटल मिल्क एल्ड अपॉन नंबर ऑफ़ मिल्किंग एनिमल्स फॉर एग्जाम्पल टोटल मिल्क एल्ड एक दिन के अंदर याद रखिएगा एक दिन की बात हो रही है एक दिन के अंदर मान लीजिए सिक्सटी के जीज आ गया और आपके पास नंबर ऑफ़ एनिमल्स कितने हैं टेन तो आपका जो हर्ड एवरेज आ जाएगा वो कितना आ जाएगा सिक्स मतलब कि आपकी पूरी हर्ड में जो आ, हर एक गाय है या बफेलो है वो एक दिन का सिक्स के आपको मिल्क प्रोड्यूस करती हैं ठीक है ठेके? तो ये आपका हर्ड एवरेज हो जाता है हर्ड एवरेज के बाद आता है है आपका जो कि इंपॉर्टेंट है काफ़ी इंटर काविंग पीरियड इंटर काविंग पीरियड याद रखिएगा कई जगह पूछा जाता है ठीक काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है तो काविंग पीरियड क्या होता है नंबर ऑफ डेज बिटवीन टू सक्सेसिव काविंग मतलब कि एक काउ ने आज मान लीजिए उसने बच्चा दिया ठीक है काविंग हुई उसकी तब से लेकर के अगली काविंग तक के बीच का जो पीरियड होगा मैं दोबारा बोलता हूँ आज किसी काओ की काविंग हुई तब से लेकर के अगली काविंग तक के बीच का जो पीरियड होगा उसे हम बोलते हैं इंटर काविंग पीरियड लैक्टेशन कर्व लैक्टेशन कर्व बहुत इंपॉर्टेंट लैक्टेशन कर्व ठीक है लैक्टेशन कर्व हमारा क्या होता है कि एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस चीज का है कि जो आपका मिल्क सिक्रीशन है वो किस रेट से हो रहा है लैक्टेशन के दौरान। तो रेट ऑफ मिल्क ड्यूरिंग लैक्टेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ही आपका लैक्टेशन कर्व है अब ये बनता कैसा है ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कुछ आपका ऐसा होता है यहाँ पर जो मिल्क मिल्क प्रोडक्शन है और यहां पर आपके डेज ठीक है ये वीक में भी हो सकता है मतलब तो टाइम आप इसे कह सकते हैं ठीक है थेके? तो क्या होता है कि ये ग्राफ कैसा जाता है कि हमारा पीक पकड़ता है ये और फिर ये हमारा ऐसे डिक्लाइन होता है ठीक है तो ये हमारा लैक्टेशन कर्व है अराउंड टू टू थ्री वीक्स पर ये हमारा क्या करता है पीक पकड़ता है मतलब पीक होती है इसकी लैक्टेशन की और फिर उसके बाद ये ग्रेजुअली डिक्रीज करता जाता है तो ये आपका लैक्टेशन कर्व हो गया लैक्टेशन कर्व के बाद बात आती है लैक्टेशन पीरियड क्या होता है ये बहुत कंफ्यूजिंग टर्म्स हैं ठीक है थेके? आपको इन्हें याद रखना है लैक्टेशन पीरियड क्या होता है तो लैक्टेशन पीरियड हमारा वो पीरियड है पार्चुरेशन के बाद का जो पीरियड है उसे हम लैक्टेशन पीरियड बोलते हैं जब तक कि एनिमल मिल्क प्रोड्यूस कर रहा है याद रखिएगा जब तक कि एनिमल मिल्क प्रोड्यूस कर रहा है ठीक है द पीरियड आफ्टर पार्चुरेशन इन विच द एनिमल प्रोड्यूज मिल्क मैं साथ साथ में इंग्लिश इसीलिए भी बोल देता हूँ डेफिनेशन क्योंकि आप में से काफ़ी बच्चों को हिंदी समझने में भी प्रॉब्लम होती है मतलब कि उन्हें बीच बीच में इंग्लिश भी चाहिए होती है तो जिन्हें हिंदी में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही है उनके लिए इंग्लिश भी मैं बोल देता हूँ तो अगर हमने देखा कि लैक्टेशन पीरियड क्या मैंने आपको बताया कि द पीरियड आफ्टर पार्चूरेशन इन विच द एनिमल प्रोड्यूज मिल्क इज नोन एज लैक्टेशन पीरियड और अगर मैं हिंदी में बात करूं तो पीरियड पार्चूरेशन के बाद का जब तक कि एनिमल दूध दे रहा है ठीक है एनिमल प्रोड्यूस मिल्क तो उसे हम क्या बोलेंगे लैक्टेशन पीरियड समझ में आ गई है आपको बात तो लैक्टेशन कर्व क्या था सिर्फ एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था और लैक्टेशन पीरियड क्या है टाइम है लैक्टेशन लेंथ क्या होता है अब लैक्टेशन लेंथ लैक्टेशन पीरियड ये काफ़ी सिमिलर हैं तो लैक्टेशन लेंथ हमारा टाइम इंटरवल है ठीक है याद रखिएगा ये तो पीरियड है मतलब एक पूरा पीरियड है ठीक है कि भाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा एक पीरियड हो गया जिसमें कि क्या कहते हैं पार्चुरेशन के बाद कुछ टाइम तक जो एनिमल है वो मिल्क प्रोड्यूस कर रहा है बट लैक्टेशन लेंथ क्या है लैक्टेशन लेंथ टाइम इंटरवल है बिटवीन डेट ऑफ काविंग जिस दिन उसने बच्चा दिया ठीक है और डेट ऑफ ड्राइंग मतलब कि जिस दिन उसने दूध देना बंद कर दिया समझ में आ रही है आपको बात ये हमारा हो गया लैक्टेशन लेंथ और ये एक्सप्रेस करा जाता है डेज के अंदर इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट मटन ठीक है आप में से बहुत लोगों को मटन का मतलब पता होगा बट फिर भी मैं बता देता हूं तो मीट ऑफ शीप को हम क्या बोलते हैं मटन बोलते हैं बहुत से लोग ना मीट ऑफ गोट को भी मटन बोल देते हैं ठीक है तो वो मटन नहीं होता वो शिवान होता है जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ फिर आता है हमारा ओवरऑल एवरेज ठीक है एवरेज मैंने बताया था कि हर्ड एवरेज आया था ओवरऑल एवरेज अब आ गया ठीक है एक और एवरेज आएगा वेट एवरेज ठीक है तो आपको एवरेजेज याद रखने हैं अच्छे से तो ओवरऑल एवरेज का मतलब क्या होता है कि एवरेज डेली मिल्क इल्ड किसी भी एनिमल की उसके काविंग इंटरवल के पीरियड में ठीक है और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा ओवरऑल एवरेज इज इक्वल्स टू टोटल मिल्क एल्ड ऑफ लैक्टेशन अपॉन काविंग इंटरवल और काविंग इंटरवल डेज में आपको देखने हैं तो इससे आपको क्या मिल जाएगा कि जो मतलब कि पूरा दो काविंग इंटरवल के बीच में मतलब कि जैसे मान लीजिए किसी काउ की आज काविंग हुई अब से लेकर के नेक्स्ट काविंग तक का जो डेज होंगे उनमें हर एक दिन वो कितना एवरेज दूध दे रही है ठीक है तो वो हमारा क्या आ जाएगा वो हमारा ओवरऑल एवरेज आ जाएगा ठीक है ये बहुत बहुत माइन्यूट है इन सभी एवरेजेस में आपको वो चीज़ समझनी है ठीक है इसके बाद हमारा आता है पोर्क तो पोर्क का मतलब क्या होता है मीट ऑफ स्वाइन को हम पॉर्क बोलते हैं राशन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ट्वेंटी फोर आवर्स के टाइम में जो हम एनिमल को फीड देते हैं उसे हम बोलते हैं राशन इसके बाद आता है रफेज रफेज का मतलब क्या होता है रफेज हमारा वो फीड है जिसके अंदर 18% परसेंट से ज्यादा क्रूड क्रूड फाइबर होता है ठीक है क्रूड फाइबर 18% परसेंट से ज्यादा होता है उसे हम क्या बोलते हैं रफेज बोलते हैं इसके बाद बात आती है सायर सायर मैंने आपको बताया था ना डैम बताया था डैम का मतलब क्या था फीमेल पेरेंट ऑफ द काफ और सायर का मतलब मैंने आपको क्या बताया था मेल पेरेंट ऑफ द काफ ठीक है तो मेल पेरेंट को हम क्या बोलते हैं सायर बोलते हैं फिर आता है हमारा स्टीर मैंने आपको वहाँ पे बुलक बताया था बुलक में क्या था कि जब हम मेल को कैस्ट्रेट कर देते हैं तो वो बुलक बन जाता है ऐसे ही अगर आप मतलब छोटे बच्चे छोटे जो मेल है मेल कैटल को अगर आप कैस्ट्रेट करते हैं ठीक है जबकि वो ऑलरेडी वो एक काफ है मतलब वो मेच्योर नहीं हुआ है ठीक है बिफोर द डेवलपमेंट ऑफ सेक्शुअल मेच्योरिटी क्या बोलते हैं स्टीर बोलते हैं इसके बाद हम बात करते हैं स्टड बुल की तो stud bull, stud, तो स्टड स्टड बुल आपने डॉग्स में भी सुना होगा तो स्टड का मतलब क्या होता है स्टड बुल हमारे वो बुल हैं जो कि ब्रीडिंग पर्पस के लिए यूज करे जाते हैं और अच्छी इनकी क्वालिटी होती है इसलिए इन्हें ब्रीडिंग पर्पस के लिए यूज कराया जाता है स्टड बुल के बाद आता है हमारा टीजर बुल तो टीजर बुल का मेन काम क्या होता है ये हमारे वैसेक्टोमाइज बुल होते हैं और इनका सिर्फ एक काम होता है कि ये जो काउज हैं उनकी हीट या फिर ई स्ट्रेस को डिटेक्ट करने में हेल्प करते हैं अब बेसिकली क्या होता है कि इंक लगाई जाती है इन पर ठीक है तो ये स्टेराइल होते हैं वैसे ये बुल्स ठीक है ये प्रेग्नेंट नहीं कर सकते किसी भी फीमेल को इन पर इन इंक लगाई जाती है और इन्हें काउज के साथ छोड़ दिया जाता है तो क्या होता है कि जो भी काओ हीट में होती है ये हम्प करने की कोशिश करते हैं उन काउज पर और जिसकी वजह से वो सारी काउज़ पर इंक लगने की वजह से वो सारी काओ अलग हो जाती हैं मतलब हम उन्हें इजीली डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं ठीक है तो टीजर बुल का हमारा ये काम होता है इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट आता है व्हील तो मीट ऑफ काफ को हम बोलते हैं व्हील और याद रखिएगा उसकी जो एज है वो थ्री मंथ से कम होनी चाहिए ठीक है बिलो द एज ऑफ थ्री मंथ्स इसके बाद बात आती है वीनिंग सो so, वीनिंग क्या है वीनिंग सेपरेशन ऑफ काफ है फ्रॉम द काउ एंड फीडिंग दम आर्टिफिशियली ये आ, वीनिंग आपने काफी जगह सुना होगा सिर्फ काफ की ही नहीं होती अगर आप किसी भी एनिमल को मतलब उसके बेबी को उस, मदर से अलग करते हैं और उसे आर्टिफिशियली फीड करते हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं वीनिंग ठीक है डॉग्स में भी करी जाती है किटन्स में भी होती है सभी में करी जाती है इसलिए भी करी जाती है प्रैक्टिस कि कई बार जो बेबी हैं वो इतने वीक होते हैं कि मदर उन्हें प्रॉपर्ली फीड नहीं कर सकती ठीक है तो या फिर उनके मतलब डेथ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं तो इसीलिए उन्हें आर्टिफिशियली फीड कराया जाता है बट डेरी के अंदर ये वीनिंग अलग ही टाइप से प्रैक्टिस करी जाती है जो कि काफ़ी हद तक एथिकल नहीं है ठीक है तो ये आप जाकर आगे पढ़ेंगे इसके बाद बात आती है वेडर वेडर का मतलब uh, क्या होता है कैस्टेटेड शीप को हम वेडर बोलते हैं अ कैस्टेटेड शीप इज ऑल्सो कॉल्ड एज वेडर एंड नेक्स्ट इज वेट एवरेज सो वट इज़ वेट एवरेज वेट एवरेज इज द एवरेज डेली मिल्क ईल्ड ऑफ अ काओ इन लैक्टेशन अब मैंने आपको बताया था ओवरऑल एवरेज अब मैं बता रहा हूँ वेट एवरेज वेट एवरेज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा फिर वेट एवरेज का फॉर्मूला हमारा यहाँ पर हो जाएगा टोटल मिल्क ईल्ड टोटल मिल्क एल्ड ऑफ अ लैक्टेशन ठीक है लैक्टेशन की मिल्क याद रखिएगा के जी या लीटर्स में रख सकते हैं आप और फिर उसके बाद लैक्टेशन पीरियड वो डेज में रखने हैं आपको ठीक है तो ये बोल रहे हैं वेट एवरेज का मतलब क्या है कि टोटल मिल्क मिल्किल्ड ऑफ अ लेक्टेशन अपॉन लैक्टेशन पीरियड मतलब कि एक पूरे लैक्टेशन पीरियड के अंदर हर एक दिन किसी काओ ने कितना मिल्क प्रोड्यूस करा वो है वेट एवरेज नेक्स्ट इज जीरो ग्रेजिंग ज़ीरो ग्रेजिंग क्या है ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर आप एनिमल को किसी बिल्डिंग में या यार्ड में रखते हैं जहाँ पर फॉर्डर उन तक लाया जाता है मतलब कि उन्हें ग्रेजिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती उन्हें खोला नहीं जाता ग्रेजिंग करने के लिए जो नेचुरली ग्रेजिंग uh, होती है तो उसे हम बोलते हैं जीरो ग्रेजिंग और जनरली इंडिया के अंदर यही प्रैक्टिस करी जाती है जहाँ पर एनिमल को एक जगह बांध दिया जाता है और वहीं तक उसका जो फॉर्डर है वो लाया जाता है ठीक है बहुत कम एरियाज़ हैं जहाँ पर उन्हें एनिमल्स को खुला छोड़ा जाता है ग्रेजिंग करने के लिए नेक्स्ट इज़ जीरो आर ग्रेजिंग ज़ीरो आर ग्रेजिंग क्या होती है कि समर टाइम में रात को एनिमल को ग्रेजिंग के लिए छोड़ा जाता है ठीक है अब रात को क्यों क्योंकि जो हीट स्ट्रेस है दिन के समय हीट स्ट्रेस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं तो रात के समय इसलिए छोड़ा जाता है तो उसे हम बोलते हैं जीरो आर ग्रेजिंग ठीक है सो दिस इज नोन एज जीरो आर ग्रेजिंग वेन ग्रेजिंग ऑफ एनिमल इन समर एट नाइट टू अवॉइड द हीट स्ट्रेस ओके सो दिस इज नॉन एज जीरो आर ग्रेजिंग एंड जीरो ग्रेजिंग इज द सिस्टम ऑफ फीडिंग इन इज द एनिमल आर कैप्टन बिल्डिंग और यार्ड एंड फॉर्डर इज ब्रिंग टू दैन सो so, यहाँ पर आपका ये जो सारे टर्मिनोलॉजी थी 50 की 50 वो ख़त्म होती हैं जिसके अंदर हमने हर एक टर्मिनोलॉजी को याद करा आपको इसमें कुछ एवरेज़ को ज़्यादा अच्छे से याद रखना है और जो मैंने हर एक पॉइंट पर बताया कि ये इम्पॉर्टेंट है ये इम्पॉर्टेंट है फीड कन्वर्जन रेशो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ठीक है आपको ये चीज़ याद रखनी है वीनिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है टीज़र बुल काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी है इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे जिसके अंदर हम एक एल का ही टॉपिक लेंगे So thanks for watching this video. If you like, then please press the thumbs up and subscribe to Web Study.